हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शॉर्टकट लाइफ। आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो है वो है रिलेशनशिप के बारे में। ऑल दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन रिलेशनशिप, बट मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं वो मेरे एक्सपीरियंस से हैं एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर रिलेशनशिप। सो लेट्स सी द वीडियो। जब भी हम आई थिंक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में सोचते हैं, वी डू थिंक अबाउट मनी, फेम, गुड हेल्थ एंड रिलेशनशिप। वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस इन ऑल फोर एस्पेक्ट्स टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। मनी, फेम और अच्छी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल हार्डवर्क मैटर करता है पूरी तरह से, बट फॉर रिलेशनशिप यू नीड पार्टनर सपोर्ट या फिर वो सब लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं। Relationships are extremely sensitive and we cannot leave them unattended any point of time. और हमें अपना 100% देना पड़ता है हर टाइम। और इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, it will definitely add value to your relationship and improve your bonding with loved ones. और ये सब बातें मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में। सो यही सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हाउ टू ग्रो योर रिलेशनशिप। पहली चीज जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, वो है क्वालिटी टाइम। और क्वालिटी टाइम से मेरा मतलब गिविंग योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर पार्टनर। आई थिंक हम सबको पता है कि हमें अपने पार्टनर को टाइम देना है, आई थिंक, बट समटाइम्स वी बिकम लिटिल सेल्फिश and give our time and attention on our terms. I feel that is not a right approach. You also have to involve in those activities जो आपके partner को पसंद है. It might be shopping, or maybe it might be simply eating golgappas or cooking something. So you have to be there 100%. दूसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, वो है कम्युनिकेशन। आई फील कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। इट डजंट रियली मीन जस्ट टू पास ऑन योर फीलिंग्स, बट इसका सही मायने में मतलब है कि आप उन सब टॉपिक्स पे बात कर सकें जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। एंड ट्रस्ट मी, नॉट एवरी रिलेशनशिप इज परफेक्ट, बट यकीन मानिए, बात करके और अपनी फीलिंग्स को शेयर करके यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर बॉन्ड। एंड कम्युनिकेशन उसी तरह काम करता है जैसे एक पौधे के लिए पानी काम करता है और पौधे से वो एक पेड़ बन जाता है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, दैट इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। जब आप अपने पार्टनर को समझेंगे, you can actually make them happy by giving gifts which they like and not which you think you should give them. Agar main apne example doon, on my last birthday my wife gifted me a mic for my videos. She always knew I wanted to make videos, but I didn't have right equipment, and trust me, in this lockdown I started making videos just because I had mic. नेक्स्ट थिंग जो एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है, आई थिंक वो है एनकरेज एंड सपोर्ट ईच अदर। सो रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ हॉलीडेज पे जाना या फिर हैविंग ए फैंसी डिनर, ये सब नहीं होता। रिलेशनशिप का मतलब होता है बीइंग विद समवन व्हेन दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट इन देयर लाइफ एंड टेलिंग देम दैट आई एम देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट एंड एनकरेज देम व्हाटएवर दे वांट टू डू, whatever they want to achieve, and be there with them and tell them you will be successful. So it is very important to encourage and support each other, kyunki uske alawa hamare paas koi nahi hai. Agar hamara partner hamara jisse hum pyar karte hain wo hamein support karta hai, then definitely we can achieve something in our life. Now we'll talk about the last point, which is planning vacation. These days we are so stressed in our life that we forget about spending time with each other. So ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम time to time अपने vacation plan करें
और कुछ क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें, कुछ टाइम रिलेशनशिप को दें. इट इज़ द बेस्ट न्यूट्रिएंट यू कैन ऐड टू योर रिलेशनशिप. सो गाइज, एज वी ऑल नो, वी आर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम राइट नाउ. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्पीक टू अ पार्टनर एंड कीप टेलिंग देम दैट वी आर देयर फॉर यू नो मैटर वॉट. सो आई वुड रैप अप दिस वीडियो एंड आई वुड से स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग.